क्रय केंद्र उकापुर में जान हथेली पर रखकर काम करने पर मजबूर है मजदूर। सरकार चाहे जितनी योजना बना ले, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। कुछ इसी प्रकार का दृश्य उकापुर क्रय केंद्र से सामने आया है। बताते चले कि उकापुर उर्वरक विक्री केंद्र को धान गेहूं क्रय केंद्र तो बना दिया गया, लेकिन रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया। यहां मौजूद प्राचीन गोदाम में ही गल्ला रखा जाता है, जिसकी चार दीवारी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। गोदाम के ऊपर छत पर टीन शेड रखा गया था, जो पूरी तरह से उखड़ गया है। दीवारों के मध्य तकरीबन एक फीट की जगह बन गई है। गोदाम की दीवार की ऊंचाई तकरीबन 25 फीट के आसपास है। गोदाम के पीछे तो लिखवा दिया गया है कि दीवार जर्जर हालत में है, कृपया दूरी बनाए रखें। अब सवाल यह उठता है कि इस गोदाम में क्या कार्य करने वाले मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करने पर विवश होना पड़ रहा है, जहां मजदूरों की जान और किसानों के माल की बड़ी क्षति होने की संभावना बनी हुई है। जब हमने अंदर की स्थिति जानना चाहा तो वहां का मंजर और भी चौंका देने वाला था। अंदर मजदूर काम कर रहे हैं, अंदर दीवार से दीवार के बीच जो फासला है वो एक बड़ी अप्रिय दुर्घटना को न्योता दे रहा है। गेहूं भीग न जाए इसी डर से गेहूं को गोदाम के अंदर रखवा दिया गया। जहां गेहूं खुले आसमान में है या गोदाम में, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गोदाम सांप और बिच्छू का अड्डा बना हुआ है। सब मिलाकर विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रफीक खान की खास रिपोर्ट। तहसीलदार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो औराई के रहने वाले हैं। औराई के रहने वाले। आप यहाँ कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं, क्या करते हैं? मान के लिए यहाँ 3-4 साल से कर रहे हैं। 3-4 साल से पल्लेदारी करते हैं। ये जो इमारत बिल्कुल दयनीय स्थिति में हो चुकी है, जो ये गोदाम है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, चारों तरफ से ऐसा देखा जा रहा है कि अब गिर जाएगा या तब गिर जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। आप लोगों को डर नहीं लगता? डर लगता है, डर बहुत लग रहा है। यहाँ पे बहुत बार शिकायत भी किया गया, लेकिन कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। किसको आप लोगों ने शिकायत किया था? जो यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, अब इतना नाम तो पता नहीं है फिलहाल, लेकिन तब भी किया गया। जो आते हैं, जिसे आप आए हैं आपको बता रहे हैं, इसी तरह से बताते हैं जो है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ, प्रमाण सामने नहीं है, कोई नहीं। अभी तो आप हालत देख रहे हैं इसकी, बहुत ही दयनीय स्थिति है। पीछे से ऐसा लग रहा है ये अब गिर जाएगा। दीवार काफी भाग चुकी है, मान चलिए एक फीट के आसपास करवट हो चुकी है, कब भी गिर सकती है। एक फीट के आसपास देख लीजिए, ऊपर से आप देख लीजिए।